हेलो गाइस, वेलकम बैक द साइट संजीव पांडे। आप देख रहे हो एडियो ऐप और ज्योग्राफी के फटाफट सीरीज में हम कर रहे हैं सेकंड चैप्टर आज, जिसका नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो भाई आई होप कि आप लोग बेसिक लेवल पे चैप्टर को पढ़े, और अगर नहीं पढ़े तो ध्यान से देखना, ठीक है। रिकैप सीरीज में आपको बढ़िया से रिकैप तो हो ही जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स के बारे में जनरली पहले इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी दिया है चैप्टर में, उसके बाद फ्लोरा एंड फाउना इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, बिकॉज हम ऑब्वियसली हम ज्योग्राफी इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अभी ऑब्वियसली हमको पता है कि बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, कितनी सारी वेराइटीज, कितने हजार स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, कितने हजारों स्पीशीज ऑफ एनिमल्स हैं आपको पता है, ठीक है। और सबकी इंपॉर्टेंस हमारे इस इकोलॉजिकल सिस्टम के अंदर, इस इकोसिस्टम के अंदर क्या है, वो भी हमने साइंस में पढ़ा हुआ है, राइट। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं कि भाई एग्जैक्टली बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस क्या है, एंटायर हैबिटेट हैज इमेंस बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, जैसे मैंने बताया। उसके बाद ह्यूमंस विद अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम, इकोलॉजिकल सिस्टम यू कैन से, प्लांट्स एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रिक्रिएट द क्वालिटी ऑफ एयर वी ब्रीथ, ठीक है। तो जो हम हवा का जो क्वालिटी है जिसमें ऑक्सीजन का अच्छा खासा कंटेंट है, जो हम हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट है, तो वो क्वालिटी मेंटेन भी कैसे हो पाती है, सिर्फ हमारी वजह से नहीं, वो प्लांट्स भी उसमें यू नो डायरेक्टली प्लांट्स इन्वॉल्व है, पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और दूसरे एनिमल्स का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, ठीक है। तो आप ये समझो कि बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए क्यों इतनी जरूरी है। एक छोटा सा एग्जाम्पल आप ये समझो कि अगर इस दुनिया से जितने भी इंसेक्ट्स है वो अगर नष्ट हो गए, तो 90 दिनों के अंदर, सिर्फ अगर आप हनी बीज की बात करो जो इतना सारा पोलिनेशन कराते हैं, इतना सारा क्रॉप प्रोडक्शन उन्हीं की वजह से हो पाता है, तो मतलब अगर वो सब ना रहे तो 90 डेज के अंदर इस धरती का पूरा खाना जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, जितना भी स्टॉक है वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्रॉप प्रोडक्शन उतना ज्यादा हो नहीं पाएगा। तो आप ये समझ सकते हो कि छोटा सा हनी भी इतना इंपॉर्टेंट है, तो हमारे इस चाहे फूड चेन की बात करें या फूड वेब की बात करें, एक आध भी क्रिएचर उसमें से गायब हुआ तो काफी ज्यादा असर डालता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारी लाइफ पे, ठीक है। और सिर्फ यही नहीं, जो मैंने बताया कि हाँ भाई जो हमारा एयर का क्वालिटी है या जो हमारे लिविंग कंडीशन है, वो दूसरे प्लांट्स, दूसरे एनिमल्स, जितनी वैरायटीज है उनकी वजह से ही हो पाता है, कि पूरा बैलेंस मेंटेन हो पाता है, ठीक है। इन सब में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, चाहे कोई भी प्लांट की बात करो या कोई भी एनिमल की बात करो, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है उनका घर, दैट इज द फॉरेस्ट, ठीक है। सबसे की रोल जो है वो किसका है, फॉरेस्ट का, ठीक है। अब ये तो गई जनरली जनरल बात हो गई। अब अगर इंडिया के हिसाब से बात करें तो आपको पता है कि लगभग 23% जो है वो फॉरेस्ट के, लैंड एरिया की बात करें तो फॉरेस्ट के अंदर है, जो कि 33 होना चाहिए एक सबसे अच्छे बैलेंस के। तो अब यहाँ पर अगर हम बात करें फ्लोरा एंड फाउना की, नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फ्लोरा एंड या फाउना, क्या होता है? तो फ्लोरा यानी जितनी प्लांट वेराइटीज है, फाउना यानी जितनी एनिमल की वेराइटीज है, राइट। तो इंडिया में अगर हम बात करें, इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो यानी कि इंडिया में आपने सुना होगा, अभी की बात कर नहीं कर रहा हूं मैं, एकदम राजा महाराजाओं के टाइम से ही सोने की चिड़िया सिर्फ इसलिए नहीं कहा जाता कि हमारे पास रिसोर्सेस काफी ज्यादा है इन टर्म्स ऑफ मिनरल्स एंड ऑल, हमारे पास जो बायोडाइवर्सिटी है उस मामले में भी हम सोने की चिड़िया, ठीक है। पर अभी भी ऐसा नहीं कि बहुत कम हो गया, अभी भी हमारे पास काफी ज्यादा प्लांट्स और एनिमल्स की वैरायटीज है इंडिया के, ठीक है। तो डाइवर्स फ्लोरा एंड फाउना आर वेल इंटीग्रेटेड इन आवर डेली लाइव्स, ठीक है। सम एस्टिमेट सजेस्ट 10% ऑफ इंडियाज रिकॉर्डेड वाइल्ड फ्लोरा, 10% ऑफ द फ्लोरा एंड 20% ऑफ द मैमल्स आर ऑन द थ्रेटेंड लिस्ट। थ्रेटन लिस्ट का मतलब यह है कि अगर ध्यान नहीं दिया गया तो वो बहुत जल्दी विलुप्त हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो उनकी तादाद इतनी कम हो गई, ठीक है। 10% ऑफ इंडिया रिकॉर्डेड वाइल्ड फ्लोरा एंड 20% ऑफ द मैमल्स, ठीक है, ये खतरे में है, इनका एक्सटिंक्ट होने का काफी ज्यादा चांस है। सो लेट्स कम, सम एनिमल्स विच आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन आर चीता, पिंक हेडेड डक, मैं आपको सभी तस्वीरें दिखाऊंगा आगे, ठीक है, वाइल्ड माउंटेन क्विल हो गया, ठीक है,
ये एक तरह का बर्ड होता है, ठीक है, बटेर, पहाड़ी बटेर, इसका मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा, ठीक है। फॉरेस्ट स्पॉटेड आउलेट्स, जंगली जो उल्लू होता है, एंड प्लांट्स लाइक मधुका। अब ये मधुका आपने महुआ सुना हो, सीगा वैरायटी है महुआ, ठीक है, उसकी बहुत ज्यादा यूजेस है वैसे, ठीक है। बिसाइड्स सर्टन स्मॉलर एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स आर ऑल्सो गेटिंग एक्सटिंक्ट, ठीक है। अगर आप बहुत एकदम हाई लेवल की बातें करूं मैं, तो जैसे आपने चिड़िया या जो स्पैरो होता है, अगर मैं बात करूं, मैं अपने बचपन की बात करूं, 15 साल पहले या 20 साल पहले तो काफी ज्यादा स्पैरो दिखते थे, पर अगर अभी आपने देखा होगा, शायद वो मोबाइल टावर का रीजन हो या और भी कोई रीजन हो, स्पैरोज की संख्या बहुत कम है, आप बहुत रेयरली कहीं देखो, तो ये क्यों हो रहा है, ठीक है। सो ऑब्वियसली देयर आर मेनी फैक्टर्स जो अपन देखेंगे चैप्टर के अंदर, क्लासिफिकेशन ऑफ, अच्छा उससे पहले भी हम ये समझे कि भाई जितने भी वैरायटीज है बायोडाइवर्सिटी, चाहे वो प्लांट की स्पीशीज हो या एनिमल्स की स्पीशीज हो या माइक्रोब्स की स्पीशीज हो, तो यहाँ पर उनको क्लासिफाई किया जा सकता है इन सब टर्म में, नॉर्मल स्पीशीज, एंडेंजर्ड स्पीशीज, वल्नरेबल स्पीशीज, रेयर स्पीशीज, एंडेमिक स्पीशीज और एक्सटिंक्ट स्पीशीज, ठीक है। तो अब देखो मैं एकदम नॉर्मल, अगर हम नाम भी देखें, नॉर्मल स्पीशीज मतलब क्या है, जिनकी पॉपुलेशन नॉर्मल है, जिनके एक्सटिंक्ट होने का कोई खतरा नहीं है, ठीक है, जो अच्छे खासे तादाद में है, वो नॉर्मल स्पीशीज हुए, जैसे कैटल हो गया, सैल ट्री हो गया। अब ये सैल ट्री क्या है, ये काफी इसकी लकड़ी काम आती है, पर ये कौन सी लकड़ी है, अगर अगर आपको पता हो तो हिंदी में एक होता है सफेदा, एक होता है सैगवान, एक होता है सफेदा होता है, सैगवान होता है, एक होता है सैक, साक होता है। तो यहां पर जो हमारा सैल ट्री है वो तीनों में से कौन सा है हिंदी में, तो ये आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। इसके अलावा बाकी जो मैंने दो नाम बताए वो उनको इंग्लिश में क्या कहा जाता है वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इंडिया में रहते हो इतना तो लकड़ी का काफी सारा इस्तेमाल होता है, तो कहां कहां पे, तो नाम तो एटलीस्ट पता होना चाहिए, ठीक है। सो दे आर नॉर्मल स्पीशीज, ओके। जैसे इंसान को भी हम नॉर्मल स्पीशीज बोलते हैं, इतना सारा इंसान का तादाद है, पॉपुलेशन है। देन कमिंग टू एंडेंजर्ड स्पीशीज, वो स्पीशीज जिनका जिनका जो नंबर है वो मतलब खतरे के लाइन के अंदर आ चुका है, मतलब अगर ध्यान नहीं दिया गया तो ये खत्म हो जाएंगे, एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, कभी धरती पर दिखाई नहीं देंगे, ठीक है। सो विच आर इन ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, ठीक है, नेगेटिव फैक्टर्स हैव लेड टू द डिक्लाइन, चाहे वो हंटिंग का हो, चाहे वो पोचिंग का हो, चाहे उनके बॉडी पार्ट्स की स्मगलिंग का हो, ये सब कारणों की वजह से, कोई भी नेगेटिव फैक्टर की वजह से, डिफॉरेस्टेशन की वजह से हो, उनका नंबर कम होता जा रहा है और वो खतरे के लाइन से, जैसे हमने बताया कि भाई वो अगर ध्यान नहीं दिया गया तो वो एक्सटिंक्ट स्पीशीज के अंदर आ जाएगा। एग्जाम्पल इज ब्लैक बक्स, तो यहाँ पर काले हिरन जो अपने, ये भी हमें, मैं आपको इमेज दिखाऊंगा, लेट्स सी। तो देखो ये ब्लैक बक काफी फेमस केस में इसका नाम आता है, तो आप बताना नीचे कमेंट करके, ओके। सो ब्लैक बक हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, इंडियन वाइल्ड एसेस हो गया, मतलब देसी गधे, ठीक है, तो हमारे जो वाइल्ड गधे हो ये, ओके। इसके अलावा लायन टेल्ड, इंडियन राइनो, लायन टेल्ड मकाको और संगाई। तो अब देखो इंडियन राइनो पता होगा, संगाई पता होगा, डियर का एक वैरायटी है, लायन टेल मकाको क्या है, देखो ये वाला देख सकते हो, देखने में लगभग लगभग लायन की तरह दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपका किसमें आता है, एंडेंजर्ड स्पीशीज के अंदर आता है, ध्यान नहीं दिया गया तो वो एक्सटिंक्ट स्पीशीज के अंदर चला जाएगा। एक्सटिंक्ट स्पीशीज कौन से होते हैं, स्पीशीज विच आर नॉट फाउंड आफ्टर सर्चेस, किसी पर्टिकुलर एरिया में जहां वो पाए जाते हैं, ढूंढने के बाद अब वो नहीं पाए जा रहे, मतलब क्या, लगभग वो खत्म हो चुके, तुम ढूंढ रहे थे वो खत्म हो गए, अब नहीं मिल रहे हैं, वो धरती से विलुप्त हो गए, लगभग यही चांस दिख रहा है, दे आर एक्सटिंक्ट स्पीशीज, ठीक है। एग्जाम्पल एशियाटिक चीता, इंडिया में चीता नहीं है, इसलिए मोदी जी 4 चीता लाए, नामीबिया से 4 भी लाए, तो नहीं है, खत्म हो गया एशियाटिक्स, पहले होता था एशियाटिक्स चीता जो है। पिंक हेडेड डक, तो आप देख सकते हो ये एशियाटिक चीता है, ये पिंक हेडेड डक है, तो दे आर, अब ये मिलते नहीं है ढूंढने पर भी, ठीक है। इसके अलावा ये अपना हिमालयन ब्राउन बेयर हो गया, ठीक है, ये माउंटेन क्विल हो गया जो बता रहे थे हम, दिस इज गंगाटिक, गंगा में मिलने वाला डॉल्फिन, ठीक है। इसके अलावा ये क्या, हॉर्नबिल, हॉर्नबिल इंग्लिश के किसी किताब में, कैसे आपने देखा, ओके, दिस इज
फॉरेस्ट फॉक्स सॉरी डेजर्ट फॉक्स ओके, ये क्या है ये आप बताओगे कमेंट करके ओके, बाकी तो मैंने बता दिया ना ओके। सो लेट्स सी, एक्सटिंक्ट स्पीशीज तो बता दिया मैंने, सो नॉर्मल एंडेंजर्ड एक्सटिंक्ट, इसके अलावा वल्नरेबल स्पीशीज कौन से हैं, पॉपुलेशन हैज डिक्लाइन टू लेवल फ्रॉम वेयर इट इज लाइकली टू मूव इन एंडेंजर्ड स्पीशीज, तो यानी इनका नंबर कम हो रहा है, इतना कम नहीं हुआ है कि इनको हम एंडेंजर्ड में डालें, पर बहुत नियर फ्यूचर में दे कैन मूव इनटू एंडेंजर्ड, ठीक है, मतलब इनका नंबर कम हुआ है एंड अगर ध्यान नहीं दिया तो ये एंडेंजर्ड के अंदर बहुत जल्दी शामिल हो जाने वाले हैं, सो ध्यान दे दो। तो वल्नरेबल स्पीशीज वो होते हैं, एग्जाम्पल ब्लू शीप हो गया, एशियाटिक एलिफेंट हो गया, गंगेटिक डॉल्फिन जो हमने देखा था अभी, ठीक है, एशियाटिक एलिफेंट इंडिया का जो एलिफेंट मिलता है वो, ठीक है। रेयर स्पीशीज कौन से होते हैं, रेयर स्पीशीज वो है स्मॉल पॉपुलेशन में मूव इन एंडेंजर्ड और वल्नरेबल कैटेगरी, तो ये ऐसा है कि भाई इनका नंबर इतना ज्यादा नहीं है, ठीक है, वो रेयरली ही पाए जाते हैं, तो क्योंकि पॉपुलेशन कम है तो चांसेस ये हैं कि भाई अगर उसको फ्लरिश नहीं हुए वो, तो वो वल्नरेबल या फिर एंडेंजर्ड में बहुत जल्दी जा सकते हैं। एग्जाम्पल हो गया आपका हिमालयन ब्राउन बेयर, है ना, हर जगह थोड़ी पाए जाएंगे ब्राउन बेयर, हिमालय ब्राउन बेयर जो हो गए, ठीक है, वाइल्ड एशियाटिक बफेलो हो गया ओके, फिर उसके बाद आपका डेजर्ट फॉक्स जो हमने देखा था, हॉर्नबिल हो गया, तो ये सब रेयर स्पीशीज है ओके। अब इसके बाद डेजर्ट फॉक्स अगेन डेजर्ट में पाया जाने वाला है, वो आपके मतलब दूसरे स्टेट्स में नॉर्मल नहीं मिलेगा, राइट, तो ये सब रेयर स्पीशीज। अब देखो एंडेमिक स्पीशीज क्या होता है, एंडेमिक स्पीशीज वो होता है जो कि किसी पर्टिकुलर रीजन में ही पाए जाते हैं। अब जैसे कंगारू हो गया तो वो पता है ना, वो ऑस्ट्रेलिया और उस तरफ ही पाया जाएगा, नॉर्मली वो इंडिया में नहीं पाया जाएगा, तो यहाँ पर ये वही आते हैं, फाउंड इन ए पर्टिकुलर एरिया। जैसे हमने जो एक एक जो तस्वीर दिखाई थी ये वाला, ये एक पीजन है एक्चुअली, ठीक है, अगर आपने कमेंट कर दिया पहले, सो दिस इज अ पीजन जो कहाँ पर, निकोबार वाला पीजन है ये, ऐसा ऐसा नॉर्मल ऐसा पीजन कबूतर थोड़ी अपने इधर दिखे, ठीक है, तो ये निकोबारियन पीजन है जो एक एंडेमिक स्पीशीज है, वहीं पाया जाता है। तो इसका देखो अभी अगर ये वहीं पाया जाता है तो इसके केस में भी ज्यादा चांस है कि उसका नंबर कम रहेगा, पूरी दुनिया में खाली वहीं पाया, नंबर कम रहेगा, तो ये भी इसको भी ध्यान से रखना पड़ता है, उनका शिकार करना भी उतना ज्यादा अलाउड नहीं होता, बिकॉज वो भी एक्सटेंट हो सकते हैं, राइट, हिमालयन ब्राउन बेयर हो गया, एशियाटिक बफेलो हो गया, डेजर्ट फॉक्स हो गया, हॉर्नबिल हो गया, ये सब एंडेमिक स्पीशीज के कैटेगरी में जाते हैं, राइट। एक्सटेंट तो मैंने बता दिया कि जो जिनका नंबर ऑलरेडी अब वो एक्सटेंट मान लिया गया है, अब वो नहीं रहे, ठीक है, विलुप्त हो गए, सो दोज आर एक्सटेंट, राइट। सो ये हो गया क्लासिफिकेशन द बेसिस ऑफ द कंजर्वेशन। अब यहाँ पर हमने ये तस्वीरें भी देख ली, लेट्स मूव अहेड, फैक्टर्स दैट कॉज डेप्लीशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना, कौन से फैक्टर्स है जो प्लांट एनिमल की जो डाइवर्सिटी है उसको खत्म कर रहे हैं, उसको डिप्लीट कर रहे हैं। तो देखो अब इस चैप्टर में एक बात याद रखना कि वेरी जनरल आंसर भी आपको जो है अगर पता हो चैप्टर वन से भी, तो काफी चीजें आप यहाँ उठा सकते हो, चाहे डिफोरेस्टेशन हो गया, चाहे माइनिंग हो गया, ऐसे कई फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। जैसे आप देख लो, ग्रेटेस्ट डैमेज ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ रेलवे, ठीक है, तो ये वो समय की बात हो रही है जब अंग्रेजों का शासन था इंडिया पर, तो उस टाइम पे कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे, ठीक है, रेलवे का एक्सपेंशन हुआ ओके, एग्रीकल्चर की वजह से, कमर्शियल एक्टिविटीज की वजह से, माइनिंग की वजह से, साइंटिफिक फॉरेस्ट्री की वजह से क्या हुआ कि बहुत सारा जो नेचुरल फॉरेस्ट था उसको क्लियर किया गया, यानी बायोडाइवर्सिटी का जो घर है उसको खत्म किया गया था, ठीक है, काफी डैमेज जो है वो फ्लोरा फौना को हुआ, ठीक है। आफ्टर इंडिपेंडेंस वही एक्टिविटीज जो है वो काफी हद तक कंटिन्यूड रही, ठीक है, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन कंटिन्यूड रहे, ठीक है, फॉरेस्ट एरिया को एग्रीकल्चर में बदला जा रहा था, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा क्रॉपिंग हो सके, तो ये सब फैक्टर्स के वजह से फॉरेस्ट क्लियर हो रहा था और यानी बायोडाइवर्सिटी भी कम होती जा रही थी, खत्म होती जा रही थी, ठीक है। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया डिफॉरेस्टेड एंड डिग्रेडेड बाय शिफ्टिंग कल्टीवेशन, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की बात करें, नॉर्थ ईस्ट की, तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन की वजह से काफी हद तक डिफॉरेस्टेशन और डिग्रेडेशन हुआ। लार्ज स्केल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो है, ठीक है, बहुत नेशनल हाईवेज, ठीक है, इसके अलावा जो कैनल सिस्टम, तो ये सब जो प्लांट्स होते हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन सब की वजह से क्या हुआ, काफी बायोडाइवर्सिटी को नुकसान हुआ, ठीक है। फॉरेस्ट
क्लियर्ड फॉर रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, जैसा हमने बताया, माइनिंग एक्टिविटीज की वजह से डिफोरेस्टेशन किया गया, डिप्लीशन ड्यू टू ग्रेजिंग एंड फ्यूल वुड कलेक्शन। तो यानी सिर्फ इसी वजह से नहीं, ग्रेजिंग की वजह से भी काफी जो बायोडाइवर्सिटी यानी जो ग्रासलैंड्स को काफी नुकसान हुआ, ठीक है, ओवर ग्रेजिंग की वजह से, ठीक है, और फायरवुड का मतलब जलावन के जो लकड़ी लेके जाते हैं वो भी काफी उसको ड्रॉ किया जाने लगा, जिसकी वजह से फॉरेस्ट को क्लियर कर किया जाने लगा, ठीक है। अब देखो कॉजेस ऑफ डिक्लाइन ऑफ इंडियन बायोडाइवर्सिटी, तो अब कुछ और कॉजेस की हम यहाँ बात करें, इंडियन बायोडाइवर्सिटी कैसे डिक्लाइन हुआ। तो देखो यहाँ पर ओवर पॉपुलेशन इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर कॉज, ओवर पॉपुलेशन की वजह से इंडिया की बात करें, पॉपुलेशन ज्यादा होएगा तो रहने के लिए घर चाहिए, फैक्ट्रीज चाहिए, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स चाहिए, तो इन सब कारणों की वजह से काफी फॉरेस्ट को नुकसान हुआ, ठीक है। इसके बाद हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, उनका जैसे अगर फॉरेस्ट क्लियर करोगे तो वहां वो एक्चुअली घर है ना, काफी प्लांट्स और एनिमल्स का, तो वो उनका हैबिटेट जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, हंटिंग की वजह से, पोचिंग की वजह से डाइवर्सिटी कम हो रही है, राइट। एनवायरमेंटल डिस्ट्रक्शन, अनइक्वल एक्सेस, है ना, किसी को बहुत ज्यादा फॉरेस्ट किसी के हवाले है और किसी के पास कुछ भी नहीं है, ओके। और प्रॉपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है भाई, फॉरेस्ट की जिम्मेदारी सभी को जिस तरीके से इक्वली लेनी चाहिए वो जिम्मेदारी सबके पास नहीं है, है ना। काफी जो इंडस्ट्रीज होते हैं, जो एग्रो या फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज होते हैं, वो काफी एक्सप्लॉइट करते हैं प्रॉफिट के लिए, तो ये सब कारणों की वजह से क्या हो रहा है कि जो हमारा बायोडाइवर्सिटी है उस पर काफी अफेक्ट हो रहा है, वो काफी प्रभावित हो रहा है। ऑलराइट, आगे देखिए, काफी जनरल आंसर लिख सकते हो, काफी जेनरिक आंसर लिख सकते हो, कोई बहुत रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद है इफेक्ट ऑन सोशल लाइफ, सोशल लाइफ में क्या इफेक्ट है, बायोलॉजिकल लॉसेस क्लोजली रिलेटेड टू कल्चरल लॉसेस, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या क्या बातें कैसे बताई गई है कि फॉरेस्ट क्लियर होने से सिर्फ ऐसा नहीं कि प्लांट्स एनिमल्स कम हो रहे हैं, इससे और एक चीज क्या नुकसान हो रहा है कि जैसे पहले फॉरेस्ट जब काफी अवेलेबल था, तो अगर मान लो किसी लोकल एरिया के मतलब विमेन को अगर लकड़ी, जलावन के लकड़ी चाहिए, फ्यूल वुड चाहिए, तो आसपास से कलेक्ट करके आसानी से आ जाती थी। अब अगर फॉरेस्ट पास में है ही नहीं तो उनको लकड़ी लाने के लिए 10-10 किलोमीटर तक चल के जाने पड़ेगा, ठीक है। और तो यानी कोई मेडिसिनल प्लांट है, कोई भी चीज करनी है तो काफी दूर जाना पड़ेगा, और ये चीज नॉर्मली देखी जाती है, और इसी वजह से उनके लाइफ में, उन विमेन्स के लाइफ में काफी सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स होते हैं। ड्रॉट और डिफॉरेस्टेशन, रिड्यूस्ड फ्लड्स, इन इंड्यूस्ड फ्लड्स, नॉट रिड्यूस्ड फ्लड्स, ठीक है। तो ड्रॉट्स और डिफॉरेस्टेशन जो है इसकी वजह से फ्लड्स बढ़े हैं, ओके। ऑल्सो हिट टू पुअर द हार्डेस्ट, यानी गरीबों को काफी उसके वजह से काफी नुकसान हुआ। तो डिफॉरेस्टेशन की वजह से काफी चीजें, चाहे वो सीजनल चेंजेस आपका हो, ठीक है, बरसात समय से ना होना, एग्रीकल्चर पे अफेक्ट करना, काफी चीजें ऐसी जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड रहती हैं सोशल लाइफ में, इसका काफी असर होता है, ठीक है। तो सिर्फ ऐसा नहीं कि प्लांट्स और एनिमल्स को ही नुकसान हो रहा है, ह्यूमंस को भी कहीं ना कहीं ये अफेक्ट कर रहा है। डेजर्टिफिकेशन भी इसी की वजह से हो रहा है, ठीक है, बारिश समय से नहीं होगा तो सारा सॉइल जो है वो डेजर्ट बनता जाएगा। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, देखो यहाँ क्या बताया गया, 1960 और 70 की बात करें, कंजर्वेशनिस्ट डिमांडेड अ नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम, ठीक है। तो 1960-70 की बात करें उसके आसपास में जो कंजर्वेशनिस्ट होते हैं, जिनको थोड़ी चिंता होती है कि भाई इसको कंजर्व किया जाना जरूरी है फॉरेस्ट को, उन्होंने, ठीक है, डिमांड किया कि भाई नेशनल वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन प्रोग्राम किया जाए, जिसके तहत कम से कम जो जंगली जानवर है उनको बचाया जाए। इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट जो है वो 1972 को पास हुआ, इंप्लीमेंट किया गया, ठीक है। ऑल इंडिया लिस्ट ऑफ प्रोटेक्टेड स्पीशीज को जो है पब्लिश किया गया, ठीक है, चाहे प्लांट हो एनिमल हो उनको पब्लिश किया गया। प्रोटेक्ट द रिमेनिंग पॉपुलेशन बाय बैनिंग हंटिंग, गिविंग लीगल प्रोटेक्शन टू देयर हैबिटेट्स, ठीक है। गवर्नमेंट एस्टेब्लिश नेशनल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो ये पॉइंट्स आप देख लेना कि भाई इंडियन वाइल्ड लाइफ एक्ट में क्या क्या बातें हुई। तो गवर्नमेंट एस्टेब्लिश नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो उस टाइम पर एस्टेब्लिश हुए, ताकि एनिमल्स को, बर्ड्स को, ठीक है, प्लांट्स की वैरायटीज को बचाया जा सके। सेवरल प्रोजेक्ट्स लॉन्च फॉर एंडेंजर्ड स्पीशीज, वन हॉर्न राइनोसोरस, कश्मीरी स्टैग जो
हिरन होता है एक तरीके का, ठीक है, एंड थ्री टाइप्स ऑफ क्रोकोडाइल्स, इन सबको बचाने के लिए काफी सारे स्टेप्स जो है उस वक्त लिए गए, ठीक है. देयर इज नाउ अ मोर इंटेंसिव सर्च ऑफ डिफरेंट कंजर्वेशन मेजर्स. तो सिर्फ इसी से काम नहीं चलेगा, अब जरूरत है कि भाई और ज्यादा अच्छे से और सस्टेनेबल तरीके का डेवलपमेंट किया जाए और जो कंजर्वेशन है बायोडाइवर्सिटी का उसको खासकर ध्यान दिया जाए, ठीक है. अब यहाँ बात करते हैं टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ. तो फॉरेस्ट के टाइप की बात कर लेते हैं, जो हमारे देश में कितने टाइप के फॉरेस्ट है. तो अब देखो, एक है रिजर्व फॉरेस्ट, एक है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और एक है अनक्लास फॉरेस्ट. तो रिजर्व फॉरेस्ट कौन सा होता है, मोर देन हाफ ऑफ द टोटल फॉरेस्ट लैंड हैज बीन डिक्लेयर्ड एज रिजर्व फॉरेस्ट. आधे से ज्यादा फॉरेस्ट जो है हमारे इंडिया में उसको रिजर्व फॉरेस्ट की कैटेगरी में डाला गया है. आर दोस फॉरेस्ट रिगार्डेड एज मोस्ट वैल्यूएबल, सबसे ज्यादा वैल्यूएबल फॉरेस्ट इसी को माना जाता है, ठीक है, क्योंकि ये कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स के लिए काफी कंसर्न्ड वाला पार्ट यही है. तो रिजर्व फॉरेस्ट वो है जो भाई जिसके ऊपर कोई एक्टिविटीज, कोई घर नहीं बना सकता, ऐसे नॉर्मली बिल्डिंग्स और इंडस्ट्रीज नहीं सेट किए जाते, वो गवर्नमेंट के द्वारा एकदम थप्पा लगाया गया है कि भाई ये कंजर्वेशन के लिए फॉरेस्ट है, इसको तुम हाथ नहीं लगा सकते फॉर कमर्शियल एक्टिविटीज, ठीक है. प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कौन सा होता है, ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल फॉरेस्ट एरिया इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट. 1/3 ऑफ द फॉरेस्ट को जो है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की कैटेगरी में रखा गया है एज डिक्लेयर्ड बाय द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट. दिस फॉरेस्ट लैंड्स आर प्रोटेक्टेड फॉर एनी फर्दर डिप्लीशन. तो क्या नहीं क्या है कि ऐसे फॉरेस्ट जिसमें डिप्लीशन हो रहा था और डिप्लीशन को रोकने के लिए उसको प्रोटेक्ट कर दिया गया, उसको बोलते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ठीक है. रिजर्व फॉरेस्ट में क्या है, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के लोग पहले से एकदम बांध दिया गया भाई यहाँ पर तुम कर नहीं सकते, और कहीं पे फॉरेस्ट अगर नुकसान मतलब कम होता जा रहा था तो वहां पे प्रोटेक्ट करने के लिए उसको प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट की कैटेगरी में डाल दिया गया. अगर कोई फॉरेस्ट ना तो रिजर्व कैटेगरी में आता है ना ही प्रोटेक्टेड कैटेगरी में आता है तो दीज आर अदर फॉरेस्ट, ठीक है, जिनको अनक्लास फॉरेस्ट भी कहते हैं. तो ये अदर फॉरेस्ट और वेस्ट लैंड की कैटेगरी में आता है बिलोंगिंग टू बोथ गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट का भी हो सकता है, प्राइवेट भी हो सकता है या कम्युनिटी हेल्ड भी हो सकता है, ठीक है. अगर मान लो तुम यहाँ पे रहते हो उसके आसपास में थोड़ा सा एक लैंड का पैच है जहाँ पर एक कुछ पेड़ है तो और मतलब एक हल्का सा ऐसा वो छोटा सा फॉरेस्ट ही लगता है अगर वो, तो दैट इज अ यू कैन से अनक्लास फॉरेस्ट, ठीक है, या तुम्हारे सोसाइटी के अंदर कुछ पेड़ों का जो संग्रह है तो सब उसी कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है. रिजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर आल्सो रेफर्ड टू परमानेंट फॉरेस्ट. इन दोनों को परमानेंट फॉरेस्ट भी कहा जाता है क्योंकि इसमें और ज्यादा कुछ अब कोई कुछ नहीं कर पाएगा, वो परमानेंटली रहेंगे, ठीक है, और क्योंकि उनके वो नहीं रहे तो इंसानों के ऊपर खतरा हो जाएगा, हम कहाँ से ऑक्सीजन को मिलेगा, इसलिए सरकार ने उसको बांध ही दिया कि भाई इसको कुछ नहीं कर सकते, तो परमानेंट फॉरेस्ट कैटेगरी में आता है. स्टेट्स आर मेंटेन फॉर पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड फॉर प्रोटेक्टिव रीजंस. तो यहाँ पर देखो प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का ये हमने बता दिया. इसके बाद मध्य प्रदेश हैज द लार्जेस्ट एरिया अंडर दिस परमानेंट फॉरेस्ट. मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 75% ऑफ द टोटल जितना मध्य प्रदेश में फॉरेस्ट है उसका 75% किसमें आता है, वो परमानेंट फॉरेस्ट के अंदर आता है, उसमें हाथ नहीं लगाया जा सकता. जम्मू एंड कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल एंड महाराष्ट्र हैव लार्ज परसेंटेज ऑफ रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इट्स टोटल फॉरेस्ट एरिया. तो सबसे ज्यादा रिजर्व फॉरेस्ट जो है यहाँ पर इन जगहों बताया कि सबसे ज्यादा परसेंटेज उनका रिजर्व फॉरेस्ट है, JNK, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरला, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, सबसे ज्यादा रिजर्व फॉरेस्ट है वहां पर, ठीक है. व्हेयरएज बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा एंड राजस्थान हैव बल्क ऑफ प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, सबसे ज्यादा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है वहां पर, उन जो अभी स्टेट का नाम लिया. ऑल नॉर्थ इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट एंड पार्ट ऑफ गुजरात हैव अ हाई परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट अनक्लास वाला कैटेगरी में. तो आप ये ध्यान रख लेना कि भाई ये पहला वाला सबसे ज्यादा इनके पास कौन सा है, रिजर्व फॉरेस्ट है. यहाँ के स्टेट जो बताया हमने उनके पास प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है, और जो हमने नीचे बताया जो नॉर्थ ईस्टर्न और ये गुजरात वाला पोर्शन उनके पास अनक्लास फॉरेस्ट है, ठीक है. अब इसके बाद बात करते हैं फाइनली कंजर्वेशन स्ट्रैटेजीज क्या क्या इस्तेमाल हुए और कंजर्वेशन मूवमेंट्स ही कुछ हम यहाँ पर बात कर लेते हैं फाइनली, ठीक है. तो फॉरेस्ट आर टू सेव ट्रेडिशनल कम्युनिटीज. फॉरेस्ट जो है ऑब्वियसली काफी पुराने ट्रेडिशनल कम्युनिटीज को सेव भी करता है, काफी आदिवासी को सेव करता है, राइट. लोकल कम्युनिटीज आर स्ट्रगलिंग टू कंजर्व दिस हैबिटेट्स. तो जो वहां की जो कम्युनिटीज हैं जो जंगलों के
ऊपर काफी निर्भर करती है, उनको काफी स्ट्रगल करना पड़ रहा है, ठीक है। इन सम एरियाज दे हैव कंजर्विंग फॉरेस्ट विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट, तो कुछ एरियाज में वो जो लोकल ट्राइबल कम्युनिटीज है, ट्रेडिशनल कम्युनिटीज है, वो गवर्नमेंट के साथ हाथों में हाथ मिला के और फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट कर रही है ऑलरेडी। अब हम बात करते हैं सरिस्का टाइगर रिजर्व राजस्थान की, ठीक है। तो यहाँ पर विलेजेस है फॉट अगेंस्ट माइनिंग, तो काफी हद तक वहां पर काफी ज्यादा माइनिंग एक्टिविटीज हो रही थी, जिसको रोकने के लिए वो लोगों ने काफी काम किया, ठीक है। विलेजर्स ने वहां पर वो माइनिंग एक्टिविटीज को रुकवाया, ठीक है। इसके बाद इनहैबिटेंट्स ऑफ फाइव विलेजेस इन अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान हैव फॉर्म्ड क्या है, भैरोदेव डाकव सेंचुरी, ठीक है। तो यहाँ पर राजस्थान अलवर डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है, वहां के गाँव वालों ने क्या किया, पांच गाँव वालों ने मिलकर और ये दे हैव फॉर्म्ड दिस, ठीक है। ये सेंचुरी फॉर्म किया है फॉर प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट, नाम क्या है, भैरोदेव डाकव सेंचुरी फॉरेस्ट, ठीक है। कहां पर है ये, अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, याद रखना। नेचर वर्शिप हैज, देखो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है, नेचर वर्शिप हैज प्रिजर्व्ड सेवरल वर्जिन फॉरेस्ट बाय डिक्लेयरिंग देम सेक्रेड ग्रोव्स। तो यहां पर अब देखो ये दूसरा लाइन पर पढ़ लेता हूं, दीज पैचेस ऑफ फॉरेस्ट आर इंट्रोड्यूस्ड बाय द लोकल पीपल सिंस दे हैव सेक्रेड टू देम। तो होता ना कि आप जैसे कुल देवी होते हैं, या फिर आप लोगों का मतलब तो हर एक कम्युनिटी का होता है कि भाई हमारे भगवान हम या तो अपने अपने तरीके से वर्शिप करते हैं, तो फॉरेस्ट एरिया में जो लोकल कम्युनिटीज होती है वो लोग किसी पर्टिकुलर फॉरेस्ट को काफी ज्यादा पूजते हैं, ठीक है। और जब ऐसा होता है तो उसमें जैसे आपने कंटारा मूवी देखी होगी, तो ये फॉरेस्ट जो है, ये फॉरेस्ट काफी कुछ एरियाज में इसको भगवान की तरह पूजा जाता है, और जब ऐसा जब डिक्लेयर हो जाए तो उस पैच ऑफ लैंड को सरकार भी उसको अवॉइड करती है कि भाई उसको टच किया जाए, और इस तरीके से वो काफी वो स्ट्रेटेजी की तरह से भी काफी ज्यादा वो एरिया प्रोटेक्टेड रहता है, जो कि अच्छी बात है, ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं कंजर्वेशन मूवमेंट्स की, तो आपको चिपको मूवमेंट जो है वो हिमालयन वाला याद होगा, मेरे ख्याल से इंग्लिश की बुक में भी आपने पढ़ा होगा, कि जहां पर ये बताया गया है कि भाई कैसे वो कॉन्ट्रैक्टर्स गांव में आके और पेड़ों को काटने आए दिन में, जब वहां के विलेजर्स के जो मेल्स हैं, ठीक है, वो जब अपने अपने काम पर गए हुए हैं उस वक्त आके चुपके से पेड़ काटने आए वो कॉन्ट्रैक्टर्स। तो जैसे ही गांव की जो फीमेल्स हैं उनको पता लगा इस बात का, तो उन्होंने जाके पेड़ों को लिपट गए और चिपक गए और उसको गले लगा लिया, और इस तरीके से कॉन्ट्रैक्टर्स जो है वो पेड़ों को नहीं काट पाए। सो दिस मूवमेंट इज कॉल्ड चिपको मूवमेंट, चिपको आंदोलन भी कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा और कौन से मूवमेंट्स हैं, बीच बचाओ आंदोलन इन तेहरी एंड नवदन्य फॉर डाइवर्सिफाइड क्रॉप प्रोडक्शन विदाउट द यूज ऑफ सिंथेटिक केमिकल्स, तो ये एक आंदोलन हुआ, ठीक है। इसके बाद जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, नाम से ही समझ में आ रहा है कि भाई एक ऐसा फॉरेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम जिसमें जॉइंट एक्टिविटी होगी, और क्या है इसमें कि सिर्फ गवर्नमेंट नहीं, वहां के लोकल लोगों को इन्वॉल्व करके फॉरेस्ट को और बायोडाइवर्सिटी को बचाया जा सकता है। इस बात का जब समझ में आया तो ये काफी ज्यादा फेमस हुआ, ठीक है। और इन 1988 स्टेट ऑफ उड़ीसा पास द फर्स्ट रेजोल्यूशन फॉर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, द क्लियर लेसन इन दिस लोकल कम्युनिटी एवरीवेयर हैव टू बी इन्वॉल्व, ठीक है, हर जगह लोकल कम्युनिटी को इन्वॉल्व किया जाए इन सम काइंड ऑफ नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट। अगर मान लो सरकार सिर्फ सोचती है कि नहीं यार लोकल लोगों को या उन आदिवासियों को हटा के, वहां के जो लोकल लोग हैं जो सदियों से वहां रह रहे हैं उनको हटा के और फॉरेस्ट को रिजर्व किया कंजर्व किया जा सकता है, तो ये बिल्कुल भी सही एक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसी की वजह से क्या हो रहा था कि काफी ज्यादा मिलिटेंट मूवमेंट, जो नक्सलाइट्स मूवमेंट जो है वो होने लगे, बिकॉज वो जो ट्रेडिशनली जो वहां पर रहते थे और फॉरेस्ट को यूज करते थे प्रॉपर वे में यूटिलाइज करते थे, अब उनको एकदम से दूर कर दिया जाए तो ना ही फॉरेस्ट को सही से कंजर्व किया जा सकते हैं और ना ही उन लोगों के लिए आपको हैबिटेट क्रिएट करना। तो जब कलेक्टिवली गवर्नमेंट जो है वहां के लोकल कम्युनिटी को साथ में लेके चलती है तो काफी अच्छा जो कंजर्वेशन है वो किया जा सकता है। तो इसी के साथ आज के समाचार जो है वो तय समाप्त, और इसके अलावा कौन सा ऐसा पॉइंट है जो आपको ध्यान आ रहा है जो अपने यहाँ डिस्कस नहीं किया, तो आप नीचे कमेंट करके बताना, एंड अगर ऐसा कुछ मेजर होगा तो हम बात कर लेंगे उसके बारे में।
थैंक यू वॉचिंग गाइस, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय, एंड नेक्स्ट चैप्टर विल बी ऑब्वियसली द थर्ड चैप्टर. चलिए बाय बाय, नमस्कार.